बाल बाल बचे हैं, अब आखिरी बस मोटर बची हुई, इसका मतलब मोटर भी टारगेट हो जाएगा भाई। जैसे मैंने कहा था, इसको थ्री स्टार होने से कोई नहीं रोक सकता, एक फ्लॉलेस अटैक रहा है। और जैसे कि मैंने बात की, ऐसे आ रहा है ना, उसकी वजह से काफी ज्यादा दिक्कत बन गई है, मगर फिर भी 96% आया है यार, क्या ही मतलब ब्यूटीफुल अटैक है, बेहतरीन अटैक, 96% आया है क्वीन के ऊपर, हीलर लगी हुई है, क्वीन अभी तक जिंदा है, उनकी एबिलिटी भी पड़ी है इनके पास भाई, आराम से थ्री स्टार निकाल के गए ओबे ईस्पोर्ट्स के जीई रॉकी और स्वैग के साथ खत्म कर रहे हैं। कैमरा में ऑफकोर्स इशारे में भी हम उससे थोड़ी एक्स्ट्रा वैल्यू एक्सपेक्ट तो कर ही सकते हैं। आरसी की एबिलिटी अभी तक होल्ड किए फाइनली इस्तेमाल की जाएगी और सारे के सारे डिफेंसिव बिल्डिंग्स काफी ज्यादा लो एचपी पर आ गई और वो भी निकल जाएगी और टाइम भी भरपूर है इनके हाथ में। ये तो थ्री स्टार हो गया, रॉक स्टार की शुरुआत छप्पर फाड़ के शिवांश भाई। तो ये रॉयल चैंपियन सर्वाइव कर पाएगा, द आंसर इज कर्बी नो, बिकॉज मोनोलिथ के लपेटे में नहीं आई इनकी एबिलिटी। और प्रॉब्लम यही हुआ, अगर इनकी एबिलिटी मोनोलिथ पे लग जाती तो देन मोनोलिथ काफी क्लबी डाउन होता है, तो सिमिलर हिट लगते हैं और आई थिंक सो डार्क इलेक्ट्रो स्टोरेज भी चली जाएगी। 98% इतनी लॉन्ग शॉट एबिलिटी का इस्तेमाल कर सकता था। जी हां, इट्स कर्बी ट्रिपल। तन्वर साहब देखिए, उन्होंने तन्वर साहब का रिएक्शन देखिए, वाओ भाई, वो कमबैक करने का जानते हैं कि काफी बड़ी लीड ऑलरेडी अपोनेंट के पास आ चुकी है। एक बढ़िया सा कॉम्बिनेशन, अच्छी ओपनिंग यहां पर चाहिए और शुभम को उस ओपनिंग के ऊपर ही कैपिटलाइज करना पड़ेगा। मगर ये क्या ये कमबैक होगा? इन्फर्नो स्पार्टा अब काफी ज्यादा लो एचपी पर है आज के मैचेस में, लेट्स सी इस बार होता है या नहीं। फिलहाल दोबारा से कैपिटलाइज कर पाए हैं और ये देखिए एचपी एडवांटेज जो थी शुभम के पास वो अब अपने हित में लेके और वही करते हुए दिख रहे फिलहाल। मगर जो पर सब कुछ पलट कोच रोहित जैन जीत जाएगा, मगर इस बार क्या हुआ यार, रहने वाला है लेकिन यूटिलाइज करने का मौका मिलेगा या नहीं ये देखना होगा। एंड द थर्ड यहां पे कोई भी ओपनिंग देने का कोशिश नहीं है, ये देखिए एडवांटेज भी चल रहे हैं एंड उनका रेट है यहां पे अवेलेबल है कि थ्रो पोजीशन में बार-बार देखने को मिल रहा है रोहित जैन। बॉल, व्हाट डू यू थिंक इट टर्न्स आउट टू बी, काफी अच्छे से उठा दिया गया है एंड कैच आउट विद टेक्निकल सेंस, लेकिन इस गेम का सेंस अभी कहां पे जा रहा है वो देखना है मुझे। सो अगेन थोड़ा सा शॉर्ट रेंज की बॉल यहां पे डाली जरूर पड़ेगा कि 6 गेंदों के अंदर अभी 18 पे 4 हैं तेजस मेहरा, क्या कमाल लेके आ पाएंगे एंड पहली गेंद पे दूसरे ओवर बाद एक विकेट गिर पाएंगे। सो इनके भी हालात ठीक नहीं लग रहे, एक्सट्रीम ऑफ की बॉल है, मेरे ख्याल से वाइड हो जाएगी अगर रन भागने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने रन भागे ज़ॉम्बी और नॉट, ज़ॉम्बी के मैंने देखी परेशानी एक ही है, वाइड बहुत डालते, ओ तेरी क्या ही यार, 48 रन का टारगेट है हर ओवर में, 24 रन मुश्किल लग रहा है, इसको हर बॉल पे चैलेंज करने वाला। वेल अब अगर कोई क्लियर कर रहा है तो इट्स नॉट ओवर, लेट्स गो भाई, क्वीन किंग से मार दो, 8 मिनट 53 सेकंड है तो फिर तो भाई खत्म है यार, फिर बहुत अपसेट हो गया। ओह चेक, क्या कर रहे हो, ये खेलो ना, अगर ये गेम ड्रॉ हो गया स्टेप के बाद टाइम भी बहुत कम है, इट इज अ ड्रॉ कोई नहीं वो बड़ी, हाँ फिर से धीरे धीरे वाला रहता चांस उदित कातर इसके वाला था, तो व्हाट अब क्वीन को बचाना है, क्वीन को बचा लो भाई, क्वीन को बचा लो पहले, क्वीन ये क्या हुआ, कैसे ड्रॉ हो गया,